ओम शांति। बुक का नाम है कुमारियों के प्रति प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की शुभाशय। पार्ट 5। कुमारियों के अलग अलग रूप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा रूहानी याद में रहने वाली रूहानी कुमारियां होना, देह अभिमान वाली कुमारियां तो बहुत हैं, लेकिन आप रूहानी कुमारियां हो। सदा रूह अर्थात आत्मा की स्मृति में रहने वाली आत्मावन, आत्मा को देखने वाली, इसको कहते हैं रूहानी कुमारियां। तो कौन सी कुमारियां हो? कभी देह अभिमान में आने वाली नहीं। देह अभिमान में आना अर्थात माया की तरफ गिरना, और रूहानी स्मृति में रहना अर्थात बाप के समीप आना। गिरने वाले नहीं, बाप के साथ रहने वाले। बाप के साथ कौन रहेंगे? रूहानी कुमारियां ही बाप के साथ रह सकती हैं। जैसे बाप सुप्रीम है, कब देह अभिमान में नहीं आता, ऐसे देह अभिमान में आने वाले नहीं, जिनका बाप से प्यार है, वह रोज प्यार से याद करते हैं, प्यार से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं। जो प्यार से कार्य किया जाता है उसमें सफलता होती है। कहने से करते हो तो थोड़ा समय सफलता होती, प्यार से अपने मन से चलने वाले सदा चलते। जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या है माया क्या, तो एक बार के अनुभवी कभी भी धोखे में नहीं आ सकते। माया भिन्न भिन्न रूप में आती है, कपड़ों के रूप में आएगी, माँ बाप के मोह के रूप में आएगी, सिनेमा के रूप में आएगी, घूमने फिरने के रूप में आएगी। माया कहेगी यह कुमारियां हमारी बने, बाप कहेंगे हमारी बने, तो क्या करेंगी? माया को भगाने में होशियार हो? घबराने वाली कमजोर तो नहीं हो? ऐसे तो नहीं सहेलियों के संग में सिनेमा में चली जाओगी? संग के रंग में कभी नहीं आना, सदा बहादुर सदा अमर सदा अविनाशी रहना, सदा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, गटर में नहीं गिरना। गटर शब्द ही कैसा है, बाप सागर है, सागर में सदा लहराते रहना। कुमारी जीवन में ज्ञान मिल गया, रास्ता मिल गया, मंजिल मिल गई, यह देख खुशी होती है। बहुत भाग्यवान हो, आज के संसार की हालत देखो, दुख दर्द के बिना और कोई बात नहीं। गटर में गिरते हुए चोट के ऊपर चोट खाते रहते। आज का यह संसार है, सुनते हो ना, आज शादी की कल जल मरी, आज शादी की कल घर आ गई। एक तो गटर में गिरी, फिर और ही चोट पर चोट खाई, तो ऐसी चोट खानी है क्या? इसलिए सदा अपने को भाग्यवान आत्मा समझो।
जो बाप ने बचा लिया बच गए, बाप के बन गए, ऐसी खुशी होती है ना। बाप दादा को भी खुशी होती है, क्योंकि गिरने से, ठोकर खाने से बच गई। तो सदा ऐसे अविनाशी रहना। दूसरी पॉइंट है, सभी श्रेष्ठ कुमारियां होना, साधारण कुमारी से श्रेष्ठ कुमारी हो गई। श्रेष्ठ कुमारी सदा श्रेष्ठ कर्तव्य करने के निमित्त, ऐसे सदा अपने को अनुभव करती हो कि हम श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। श्रेष्ठ कार्य क्या है? विश्व कल्याण। तो विश्व कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी कुमारियां हों, घर में रहने वाली कुमारियां नहीं, टोकरी उठाने वाली कुमारियां नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी कुमारियां। कुमारियां वह जो कहते हैं कुल का कल्याण करे, सारा विश्व आपका कुल है। बेहद का कुल हो गया, साधारण कुमारियां अपने हद के कुल का कल्याण करती हैं, और श्रेष्ठ कुमारियां विश्व के कुल का कल्याण करेंगी। ऐसे हो ना, कमजोर तो नहीं, डरने वाले तो नहीं, सदा बाप साथ है। जब बाप साथ है तो कोई डर की बात नहीं। अच्छा है कुमारी जीवन में बच गई, यह बहुत बड़ा भाग्य है। सदा उल्टे पर जाकर फिर लौटना, यह भी समय वेस्ट हुआ ना। तो समय, शक्तियां सब बच गई, भटकने की मेहनत से छूट गई। कितना फायदा हुआ, बस वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह देखकर सदा हर्षित रहो। किसी भी कमजोरी से, अपनी श्रेष्ठ सेवा से वंचित नहीं होना। तीसरी पॉइंट है, कुमारी अर्थात महान पवित्र आत्मा को सदा महान आत्मा कहा जाता है। आजकल में महात्मा भी, महात्मा कैसे बनते हैं? पवित्र बनते हैं। पवित्रता के कारण ही महान आत्मा कहे जाते हैं। लेकिन आप महान आत्माओं के आगे वह भी कुछ नहीं है। आपकी महानता ज्ञान सहित अविनाशी महानता है। वह एक जन्म में महान बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में फिर से बनना पड़ेगा। आप जन्म जन्म की महान आत्माएं हो। अभी की महानता से जन्म जन्म के लिए महान हो जाएंगी। 21 जन्म महान रहेंगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप के बने तो सदा बाप के ही रहेंगे। ऐसी पक्की हो ना, कच्ची बनेगी तो माया खा जाएगी। कच्ची को माया खाती, पक्की को नहीं। देखना, यहाँ सभी का फोटो निकल रहा है। पक्की रहना, घबराने वाले नहीं। जितना पक्का उतना खुशी का अनुभव, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। पक्के नहीं तो सदा की खुशी नहीं। सदा अपने को महान आत्मा समझो, महान आत्मा से ऐसा साधारण कार्य हो नहीं सकता। महान आत्मा कभी किसी के आगे झुक नहीं सकती। तो माया की तरफ कभी झुकने वाले नहीं। कुमारी माना हैंड्स, कुमारियों का
शक्ति बनना अर्थात सेवा में वृद्धि होना। बाप को खुशी है कि यह होवनहार विश्व सेवाधारी विश्व का कल्याण करने वाली विशेष आत्माएं हैं। फोर्थ पॉइंट है, कुमारियां चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं लेकिन सभी 100 ब्राह्मण से उत्तम कुमारियां हैं, ऐसे समझती हूँ। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या क्यों गाया जाता है? हर एक कन्या कम से कम 100 ब्राह्मण तो जरूर तैयार करेंगी, इसीलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या गाया जाता है। 100 तो कुछ भी नहीं, आप तो विश्व की सेवा करेंगी। सभी 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याएं हो, सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसा नशा रहता है, कॉलेज की स्कूल की कुमारियां नहीं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हो। कोई पूछे कौन सी कुमारियां, तो बोले हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुमारियां हैं। यह एक एक कुमारियां सेवाधारी कुमारियां बनेंगी। कितने सेंटर खोलेंगे, कुमारियों को देख बाप को यही खुशी रहती है कि यह सब इतने हैंड तैयार हो रहे हैं। राइट हैंड होना, लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड से जो काम करते हैं वह थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। राइट हैंड से काम जल्दी और अच्छा होता है, तो इतनी सब कुमारियां तैयार हो जाएं, तो कितने सेंटर खुल जाएंगे। जहां भेजें वहां जाएंगी ना, जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगी ना। कुमारियां सब महान हो, सदा महान रहना, संग में नहीं आना। अगर कोई आपके ऊपर अपना रंग लगाने चाहे तो आप उस पर अपना रंग लगा देना। माँ बाप भी बंधन में डालने चाहें तो भी बंधन में बंधने वाली नहीं। सदा निर्बंधन, सदा भाग्यवान कुमारी जीवन पूज्य जीवन है। पूज्य कभी पुजारी नहीं बन सकती। सदा इसी नशे में रहने वाली। फिफ्थ पॉइंट है, सभी देवियां हो ना कुमारी अर्थात देवी, जो उल्टे रास्ते में जाती वह दासी बन जाती, और जो महान आत्मा बनती वह देवियां हैं। दासी झुकती है, तो आप सब देवियां हो, दासी बनने वाली नहीं। देवियों को कितना पूजन होता है, तो यह पूजन आपका है ना। छोटी हो या बड़ी सब देवियां हो, बस यही याद रखो कि हम महान आत्माएं पवित्र आत्माएं हैं। बाप का बनना यह कम बात नहीं, कहने में सहज बात हो गई, लेकिन किसके बने हो, कितने ऊंचे बने हो, कितनी विशेष आत्माएं बने हो, यह चलते फिरते याद रहता है कि हम कितनी महान कितनी ऊंच आत्माएं हैं। भाग्यवान आत्माओं को सदा अपना भाग्य याद रहे। कौन हो? देवी। देवी सदा मुस्कुराती रहती है, देवी कभी रोती नहीं। देवियों के चित्र के आगे जाओ तो क्या दिखाई देता? सदा मुस्कुराती रहती है, दृष्टि से हाथों से सदा देने वाली देवी। देवता या देवी का अर्थ ही है देने वाला। क्या देने वाली हो? सभी को सुख शांति आनंद प्रेम सर्व खजाने देने वाली देवियां हो। सभी राइट हैंड हो, राइट हैंड अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाली हो। यह महावाक्य 9 मई
1984 की अव्यक्त वाणी से है। सभी अपने को श्रेष्ठ कुमारियां अनुभव करती हो, साधारण कुमारियां या तो नौकरी की टोकरी उठाती या तो दासी बन जाती हैं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारियां विश्व कल्याणकारी बन जाती हैं। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां होना जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? संग दोष के या संबंध के बंधन से मुक्त होना यही श्रेष्ठ लक्ष्य है ना? बंधन में बंधने वाली नहीं, क्या करें बंधन है, क्या करें नौकरी करनी है, इसको कहा जाता है बंधन वाली। तो न संबंध का बंधन, न नौकरी टोकरी का बंधन, दोनों बंधन से न्यारे वही बाप के प्यारे बनते हैं। ऐसी निर्बंधन हो, दोनों ही जीवन सामने हैं, साधारण कुमारियों का भविष्य और विशेष कुमारियों का भविष्य दोनों सामने हैं, तो दोनों को देख स्वयं ही जज कर सकती हो। जैसे कहेंगे वैसे करेंगे यह नहीं, अपना फैसला स्वयं जज होकर करो। श्रीमत तो है विश्व कल्याणकारी बनो, वह तो ठीक, लेकिन श्रीमत के साथ साथ अपने मन के उमंग से जो आगे बढ़ते हैं वह सदा सहज आगे बढ़ते हैं। अगर कोई के कहने से या थोड़ा सा शर्म के कारण दूसरे क्या कहेंगे, नहीं बनूंगी तो सब मुझे ऐसे देखेंगे कि यह कमज़ोर है। ऐसे अगर कोई के फोर्स से बनते भी हैं तो परीक्षाओं को पास करने में मेहनत लगती है, और स्व के उमंग वालों को कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो वह सहज अनुभव होती है, क्योंकि मन का उमंग है ना, अपना उमंग उत्साह पंख बन जाते हैं। कितना भी पहाड़ हो लेकिन उड़ने वाला पंछी सहज पार कर लेगा, और चलने वाला या चढ़ने वाला कितनी मुश्किल से कितना समय में पार करेंगे। तो यह मन का उमंग पंख है, इन पंखों से उड़ने वाले को सदा सहज होता है, समझा? तो श्रेष्ठ मत है विश्व कल्याणकारी बनो, लेकिन फिर भी स्वयं अपना जज बनकर अपनी जीवन का फैसला करो। बाप ने तो फैसला दे ही दिया है, वह नई बात नहीं है। अभी अपना फैसला करो तो सदा सफल रहेगी। समझदार वह जो सोच समझ कर हर कदम उठाए, सोचते ही न रहें लेकिन सोचा समझा और किया, इसको कहते हैं समझदार। संगमयुग पर कुमारी बनना यह पहला भाग्य है। यह भाग्य तो ड्रामा अनुसार मिला हुआ है, अभी भाग्य में भाग्य बनाते जाओ। इसी भाग्य को कार्य में लगाया तो भाग्य बढ़ता जाएगा, और इसी पहले भाग्य को गवाया तो सदा के सर्व भाग्य को गवाया।
इसीलिए भाग्यवान हो, भाग्यवान बन, अभी और सेवाधारी का भाग्य बनाओ, समझा? यह माँ वाक्य 3 जनवरी 1985 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियाँ सदा ही पवित्र मानी जाती हैं। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मण से भी ज़्यादा है। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियाँ हो ना, देखो आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती है। कुमारियों की पूजा देखी है? भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारी की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पांव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उनके पांव पड़ने लगती है। कितनों के पांव पड़ना पड़ता है, नहीं तो कुमारी को कभी पांव पड़ने नहीं देते। तो ऐसी पवित्र कुमारी होना, एक बार जो राखी बांधता है वह बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल जाए तो बाप दादा उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कायर, कमज़ोर। तो आप सब ऐसे तो नहीं हो ना? बाप दादा का बच्चों में पूरा निश्चय है, सच्ची फ्रेंड हो ना? बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। सदा स्नेह में समाई हुई हो ना? सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना? और कोई तो नहीं दिखाई पड़ता है, कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट तो नहीं करती है? कोई टीवी तो नहीं देखती हो, फिल्म तो नहीं देखती? अगर वह फिल्म देखी तो यह फिल्म ख़त्म। अच्छा, कुमारी जीवन में ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाना यह बहुत बड़ा भाग्य है। यह गृहस्थी जीवन के झंझट बाहर से दिखाई नहीं देते हैं लेकिन अंदर बहुत बंधन है। बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे यह बहुत खुश रहते हैं लेकिन अंदर बहुत बंधन है। इसीलिए कुमारियां ऐसे बंधनों से बच गई। इसीलिए खुशी में खूब नाचो। बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि यह कुमारियां इस कुमारी जीवन में बच गई। यह महावाक्य 21 मार्च 1985 की अव्यक्तवाणी से है। सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती रहती हो ना? यह स्मृति सदा समर्थ बनाती है। कुमारी जीवन समर्थ जीवन है। कुमारियां स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली हैं। व्यर्थ को सदा के लिए विदाई देने वाली कुमारी जीवन के भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। यह भी संगम में बड़ा भाग्य है जो कुमारी बनी। कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों के जीवन बनाने वाली, बाप के साथ रहने वाली, सदा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली, सदा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वायुमंडल को बदल
नाम बाला करने वाली, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे नशे में रहे हर कदम आगे बढ़ाने वाली, तो ऐसी कुमारियां होना। यह महावाक्य 27 नवंबर 1985 से है। यह लश्कर क्या करेगा? लश्कर व सेना सदा विजय प्राप्त करती है। सेना विजय के लिए होती है। दुश्मन से लड़ने के लिए सेना रखते हैं, तो माया दुश्मन पर विजय पाना यही आप सबका कर्तव्य है। सदा अपने इस कर्तव्य को जान जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय तेज रफ्तार से आगे जा रहा है। समय की रफ्तार तेज हो और अपनी कमज़ोर हो तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। इसीलिए रफ्तार को तेज करो। जो ढीले होते हैं वह स्वयं ही शिकार हो जाते हैं। शक्तिशाली सदा विजयी होते हैं। तो आज सब विजयी हो। सदा यही लक्ष्य रखो कि सर्विसेबल बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि कुमारियों को कोई बंधन नहीं। जितना सेवा करने चाहो कर सकती हैं। सदा अपने को बाप की हूँ और बाप के लिए हूँ ऐसा समझकर आगे बढ़ते चलो। जो सेवा में निमित्त बनते हैं उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। सेवा का भाग्य कोटों में कोई को ही मिलता है। कुमारियां सदा पूज्य आत्माएं हैं। अपने पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखते हुए हर कर्म करो और हर कर्म के पहले चेक करो कि यह कार्य पूज्य आत्मा के प्रमाण है। अगर नहीं तो परिवर्तन कर लो। पूज्य आत्माएं कभी साधारण नहीं होती, महान होती हैं। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारियां हो। 100 एक एक कुमारी को तैयार करने हैं, उनकी सेवा करनी है। कुमारियों ने क्या कमाल का प्लान सोचा है। किसी भी आत्मा का कल्याण हो, इससे बड़ी बात और क्या है। अपनी मौज में रहने वाली हो ना, कभी ज्ञान के मौज में, कभी याद की मौज में, कभी प्रेम की मौज में, मौजे ही मौजे हैं। संगम युग है ही मौजों का युग। अच्छा, कुमारियों के ऊपर बाप दादा की सदा ही नज़र रहती है। कुमारियां स्वयं को क्या बनाती हैं यह उनके ऊपर है, लेकिन बाप दादा तो सभी को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। सदा विश्व के मालिकपन की खुशी और नशा रहे। सदा अथक सेवा में आगे बढ़ते रहें। यह महावाक्य 9 दिसंबर 1985 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। यह लिफ्ट ही श्रेष्ठ गिफ्ट है। इस गिफ्ट को यूज़ करना आता है ना। जितना
स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसीलिए शक्तिशाली बन शक्तिशाली सेवाधारी बन जाओ। ऐसी तैयारी करती चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहाँ भी हो ट्रेनिंग करते रहो, निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करते रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगी उतना अपना ही फायदा है। यह महावाक्य 15 जनवरी 1986 की अव्यक्तवाणी से है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है, हम जिन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच जाएंगे। बाप दादा खुश होते हैं कि एक तो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। यह महावाक्य 1 मार्च 1986 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियां तो है ही श्रेष्ठ भाग्य के सितारे वाली, सभी के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक गया। कुमारियां अर्थात तकदीर बना करके आई। कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं क्योंकि यह एक एक कुमारी सेवाधारी है। दुनिया वाले कहते एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है, बाप कहते हैं एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है, विश्व का उद्धार करने वाली है, विश्व सेवा के कॉन्ट्रैक्टर बन गई। कितना अच्छा जॉब अर्थात काम है। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है ना। दुनिया में तो कहते हैं एक एक कुमारी जाकर अपना घर बसाएंगी, यहाँ तो बाप कहते हैं एक एक कुमारी सेवा केंद्र खोल अनेकों का कल्याण करेगी। ऐसी कुमारियां हो, लौकिक माँ बाप घर बना कर देते उससे तो गिरती कला होती, और अलौकिक बाप पारलौकिक बाप सेंटर खोल कर देते हैं जिससे स्वोन्नति भी और अन्य आत्माओं की भी उन्नति हो। तो ऐसी कुमारियों को कहते हैं पूजनीय कुमारियां। इसीलिए अभी तक भी लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा करते हैं। ऐसी कुमारियां विश्व के आगे कितनी महान गाई जाती हैं। तो सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझ सेवा में आगे बढ़ती चलो। कुमारियों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जितनी कुमारियां हैं उतने सेंटर खुलेंगे। हिम्मत वाली हो ना, घबराने वाली तो नहीं। पूज्य कुमारियां हो
कुमारी शब्द ही पवित्रता का सूचक है। पवित्र का ही पूजन है सदा, स्वयं भी पावन रहेंगी और दूसरों को भी पवित्रता की शक्ति देने का श्रेष्ठ कार्य करती रहेंगी। पवित्रता की शक्ति जमा है ना, तो जो जमा होता है वह दूसरों को दिया जाता है। तो सदैव अपने को पवित्रता की देवियां समझो। यह महावाक्य 20 मार्च 1987 की अव्यक्तवाणी से है। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं। यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं यह खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करने चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना। जहाँ लक्ष्य और लक्षण है वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्ति नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा ही खुशी की हो। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी के रूप में और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो कहलाना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी पड़ता है। ब्रह्मा अदर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना। तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा तो भाग्यवान हो। समय पर बाप मिल गया, कुमारी ही पूछी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती रहती है। तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। यह महावाक्य 22 जनवरी 1988 की अव्यक्तवाणी से है। सदा बाप का हाथ और साथ है ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी। सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया
बाप है तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, वह रास्ता बंद है ना। तुम सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियाँ तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है उच्च जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, हड्डी कमज़ोर हो जाती। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। यह महावाक्य 26 जनवरी 1988 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियाँ भी आई हैं। कुमारियाँ अर्थात होवनहार टीचर्स, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारियाँ हैं। कुमारियाँ क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर। टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसी कमज़ोर कुमारियां तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसीलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें, विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना उसके आगे क्या हुआ। अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है। और यह साथ भी जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे, या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सत्युग में भी ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप
सेवा की ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना, योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल नहीं, जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते हो तब डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है, जो योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? यह महावाक्य 27 नवंबर 1989 की अव्यक्तवाणी से है, मोदी नगर हॉस्टल की कुमारियों से। हॉस्टल की कुमारियाँ क्या कमाल कर रही हो, स्कूल या कॉलेज में जहाँ पढ़ती हो, वे समझते हैं कि यह न्यारी कुमारियाँ हैं, कि जैसे वो वैसे आप, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियाँ अर्थात न्यारी कुमारियाँ। कुमारियाँ तो सभी हैं लेकिन आप ब्रह्मा कुमारियाँ हो। ब्रह्मा कुमारियाँ कमाल करने वाली हो, जहाँ भी जाएं वहाँ विशेष आत्मा अनुभव हो, तो बाप से पूरा ही प्यार है ना? पक्का कोई व्यक्ति के तरफ नहीं, वैभव की तरफ नहीं। जब एक बाप से प्यार होगा तो सेफ रहेंगे, बाप से कम होगा तो फिर कहीं न कहीं फंस जाएंगे। तो कहाँ फंसने वाली तो नहीं हो ना? देखना सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा हिम्मत रखी है तो हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते रहो। यह महावाक्य 23 दिसंबर 1993 से है, इंदौर हॉस्टल की कुमारियों से। हॉस्टल की कुमारियां हो या हाईएस्ट होलीएस्ट कुमारियां हो, हाईएस्ट भी हो होलीएस्ट भी, ऊंचे ते ऊंच भी हो और महान पवित्र आत्माएं भी हो, क्योंकि कुमारी जीवन का अर्थ है ही महान पवित्र। इसलिए कुमारियों को पूछते हैं और कुमारी से माता बनी तो सबके पांव छूने पड़ेंगे। अगर बहू बनकर घर में आई तो क्या करेंगे, सबके पांव छुएंगे और कुमारियों के पांव पूजे जाते हैं। तो कुमारी जीवन अर्थात महान पवित्र जीवन। ऐसी कुमारियां होना कि कभी कभी जोश आ जाता है, आपस में एक दो में जोश आता है कि नहीं आता है, क्योंकि क्रोध भी अपवित्रता है। सिर्फ काम विकार नहीं लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान नहीं, इसको कहा जाता है होलीएस्ट हाईएस्ट कुमारियाँ। तो ऐसी हो या थोड़ा थोड़ा कभी माया को छुट्टी दे देते हो, माया प्यारी लगती है ना तो आती है, लेकिन माया कभी भी न आए इसका सहज साधन है कि सदा गॉडली
स्टूडेंट लाइफ में रहो, स्टडी स्टडी स्टडी, और कोई बातों में नहीं जाना। अगर कर्मणा सेवा भी करते हो तो वो भी स्टडी की सब्जेक्ट है। खाना बनाना भी स्टडी है, कर्मयोगी का पाठ है, तो पढ़ाई हुई ना। तो कुमारी जीवन में सफलता का आधार है स्टूडेंट लाइफ, और बातों में जाना ही नहीं है, रास्ता बंद। ऐसे हैं या कभी कभी गलत गली में चली जाती हो? नहीं, अच्छा है अपना भाग्य तो बना लिया। अभी भाग्य की लकीर को जितना लंबा बनाने चाहो उतना बना सकते हो। तो छोटी लकीर नहीं खींचना, लंबी खींचना। बाप दादा भी खुश होते हैं कि कुमारी जीवन में बच गई, भाग्यवान बन गई। और भी कुछ स्थानों से कुमारियां आई हैं। ट्रेनिंग वाली कुमारियां हाथ उठाओ। ट्रेनिंग करना मन सेवा की ट्रेन में चढ़ना। तो सेवा की ट्रेन में चढ़ गए कि अभी फैसला कर रहे हैं, सेवा में लग गए, अच्छा है। आदि से निस्वार्थ सेवाधारी, सेवाधारी सभी हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवाधारी वो कोई कोई हैं। आप किस लाइन में हो, निस्वार्थ सेवाधारी या थोड़ा थोड़ा स्वार्थ तो रखना ही पड़ेगा, नहीं फाउंडेशन ही ऐसा मजबूत रखना। क्योंकि सेवा में स्वार्थ मिक्स करने से सफलता भी मिक्स मिलती है। तो अच्छा है बाप दादा खुश होते हैं जो कुमारियाँ हिम्मत रखकर सेवा में आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने की मुबारक। यह महावाक्य 5 दिसंबर 1994 की अव्यक्तवाणी से है। हॉस्टल की कुमारियों से, अच्छा है हॉस्टल की रिजल्ट तब कहेंगे जब जितने हॉस्टल में हैं इतने टीचर्स बनकर निकले, तब कहेंगे हॉस्टल नंबर 1 है। ऐसे नहीं 2 तो निकली 4 चली गई। जितने हॉस्टल में आए कुमारी बनकर आए और टीचर बनकर निकले, तब कहेंगे हॉस्टल के रिजल्ट सबसे आगे। तो इतनी हिम्मत है कि माया आएगी तो कहेंगे क्या करें। बाप दादा तो खुश होते हैं क्योंकि देखो स्थापना का फाउंडेशन ही ओम निवास में छोटी छोटी कुमारियों से शुरू हुआ। बाप दादा को भी पहले स्थापना में क्या पसंद आया, छोटे बच्चे ही पसंद आए ना। आज वो छोटे ही विश्व कल्याणकारी बन गए। तो आप भी ऐसे ही बनना। ये अच्छा है सेफ तो रहे हुए हो ना, माया के प्रभाव से बचे हुए हैं। यह महावाक्य 7 मार्च 1995 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियाँ क्या करेंगी, कुमारियों का तो बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। कुमार 25 वर्ष का होगा लेकिन उनको कोई दादा नहीं कहेगा, लेकिन कुमारियों को दादी कहेंगे, दीदी कहेंगे। कुमारियाँ अगर टीचर बन जाती हैं तो दादी दीदी का टाइटल मिल जाता। दीदी कहने वाले तो बहुत अच्छे हैं और बनने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन दीदी माना बड़ी।
तो दीदी बनना अर्थात बड़े दिल से स्व का पुरुषार्थ और औरों को पुरुषार्थ कराना, सिर्फ दीदी नाम से ही नहीं खुश हो जाना, काम भी करना। कुमार और कुमारियों से देखा जाता है कि माया का कुछ एक्स्ट्रा प्यार है, लेकिन प्यार नहीं है, धोखा है। पहले माया बहुत प्यार करती है, लेकिन समाया हुआ धोखा होता है। अभी कोई कुमार और कुमारी की माया के प्रति रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, अभी रिपोर्ट आती है। कई खेल करते हैं कुमार भी कुमारियां भी, अभी खेल नहीं करना। अभी विश्व परिवर्तक बन, सभी एक दो के सहयोगी बन, आगे उठना, ठीक है ना? यह महावाक्य 31 मार्च 1995 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियाँ क्या कमाल करेंगी? कुमारियाँ टीचर बनेंगी? कुमारियाँ सभी अपने चेहरे से, चलन से पवित्रता की परिभाषा का भाषण करेंगी। मुख से भाषण तो सभी करते हैं, लेकिन आपके संबंध में जो भी सामने आए वो चेहरे और चलन से अनुभव करें कि पवित्रता की श्रेष्ठता क्या है। कभी भी कोई कुमारी किसके भी सामने जाए तो साधारण कुमारी नहीं दिखाई दे। पवित्रता की देवी अनुभव हो। देखो, शुरू शुरू में जब तपस्या के बाद सेवा पर निकले तो आप सबको किस रूप में देखते थे? देवियां समझते थे ना, उनों को साधारण स्वरूप नहीं दिखाई देता था, देवी स्वरूप दिखाई देता था। देवियां आई हैं, कुमारियां नहीं, तो हर कुमारी अपने को देवी स्वरूप अनुभव करे और दूसरों को भी अनुभव कराए। देवी रूप के ऊपर कभी कोई की व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। औरों को भी बचा लेंगे और स्वयं भी बच जाएंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी बुरी दृष्टि थी ना, मैं तो पवित्र हूँ। लेकिन दूसरे की भी बुरी दृष्टि थी। अगर आपकी पावरफुल पवित्र दृष्टि है तो जैसे सूर्य अंधकार को रहने नहीं देता, समाप्त हो जाता, अंधकार रोशनी में बदल जाता है, वैसे ही आपकी पवित्र दृष्टि देवी स्वरूप आसुरी संस्कार को समाप्त कर देगी। तो कुमारियाँ क्या हैं? पवित्र देवियाँ। तो कुमारियाँ ऐसे समझती हैं? हाँ कहते हो तो हाथ उठाओ, अगर ना तो हाथ नहीं उठाओ। पवित्र कुमारियाँ हैं। यह महावाक्य 6 अप्रैल 1995 की अव्यक्तवाणी से है। कुमारियाँ हाथ उठाओ। कुमारियाँ क्या करेंगी? कुमारियों को अपने जीवन का स्वयं का मित्र बन निर्बंधन बनाने में नंबर वन जाना चाहिए। इन कुमारियों की लिस्ट इकट्ठी करो, फिर देखेंगे कि सचमुच कितनी निर्बंधन बनती हैं। कुमारियाँ अगर समझती हो कि हम निर्बंधन होकर सेवा में निमित्त बनेंगी तो हाथ उठाओ।
इनों की ट्रेनिंग रखेंगे। अभी तो ज्ञान सरोवर में भी रखते हैं, तो कुमारियां क्या बनेंगी? निर्बंधन, न मन का बंधन, न संबंध का बंधन, डबल बंधन से मुक्त। यह महावाक्य 16 नवंबर 1995 की अव्यक्तवाणी से है। ओम शांति।